घनेन्द्र भारद्वाज जी और मनीष जी को साथ में दिखाइएगा प्लीज। घनेन्द्र जी, आपने मनीष जी को सुना और मंशा तो विपक्ष की जो है उस पर ही मनीष जी ने प्रश्न उठाए, आपने तो उनकी बात को सुना होगा, आप काउंटर करना चाह रहे थे, जवाब दीजिएगा। आप म्यूट तो नहीं है, एक बार प्लीज देख लीजिए। हाँ जीनत जी, हाँ बोलेगा जीनत जी, मैं ये कह रहा था, मैंने मनीष जी को सुना और ऐसा लग रहा था कि जैसे मणिपुर के दंगों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे कि जी बिहार में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, वहां पे भी रेप होते हैं, वहां पे भी गैंग रेप होता है, वहां पे भी महिलाओं का मर्डर होता है, इसलिए मणिपुर में हो गया तो क्या पता है, जस्टिफाई कर रहे। मैं जब से देख रहा हूं पहले दिन से, डे वन से मणिपुर की वायलेंस को जस्टिफाई करने में लगे हुए हर भारतीय जनता पार्टी का नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस दिन मणिपुर में 25 सेकंड के भाषण में 18 सेकंड उन्होंने मणिपुर पे बात करी, तो 18 सेकंड में से 12 सेकंड वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे ले गए। बार बार प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री जस्टिफाइड करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से कार्यकर्ता प्रवक्ता भी यही काम करेंगे। और मणिपुर की हिंसा, मैं बार बार कहता हूं कि मणिपुर की हिंसा जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, मणिपुर का दंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है जो वहां की सरकार ने कराया। पिछले 80 दिन से सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है और सरकार ने दंगाइयों को खुली छूट दी है कि जाओ दंगा करो, दूसरी कम्युनिटी को मारो, दूसरी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ बदतमीजी करो, दुर्व्यवहार करो, उनका रेप करो, गैंगरेप करो, उनके घर जला दो, उनको मार दो, उनको कुचल दो। ये पूरा मणिपुर में इस तरीके से हो रहा, पूरी की पूरी सरकार और प्रशासन कहीं आपको नजर नहीं आएगा और चीफ मिनिस्टर खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके की तो सैकड़ों घटनाएं होगी, चीफ मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ रहा। जब मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ रहा, प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन मनीष गुप्ता जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, नहीं वो जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है, जो लोग मैं जवाब ले लेती हूँ, जवाब देना चाह रहे हैं। और इन्होंने एक बात और कही कि जी वहां पे तो दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा आ रहा है, इसमें पुलिस क्या करेगा? पुलिस का काम ही यही है भैया, पुलिसिंग का मतलब समझते नहीं समझते, पुलिसिंग का मतलब ये है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना पुलिस का काम है। चाहे दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो, चाहे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो, चाहे दो रिलीजन के बीच में झगड़ा हो, कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स आएगा तो पुलिस का रोल आएगा। आप कह रहे पुलिस क्या करेगी जो दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा है? अरे पुलिस का ही काम है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ मनीष गुप्ता जी, जवाब काम नहीं है, ठीक है मनीष गुप्ता जी, आप म्यूट हैं, पहले म्यूट। जीनत जी, इनकी परेशानी दूसरी है, इनको सबसे पहले ये मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अरे भाई ये एक बात सुनिए, इन्होंने अभी एक बात कही कि जो मुख्यमंत्री है उसकी पार्टी ने दंगा शुरू किया, उसकी उसकी कास्ट ने दंगा शुरू किया, तो मैं इनको चैलेंज करता हूं ये बात बोले कि हाँ ये हमारी पार्टी लाइन है, फिर इनको देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। क्या ये इनकी पार्टी लाइन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? के बीच में नहीं बोला हूँ, अरे प्लीज ऐसे मत बोलिए एक दूसरे को, प्लीज ऐसे मत बोलिए, प्लीज ऐसे मत बोलिए, प्लीज ऐसे मत बोलिए, प्लीज भारद्वाज जी प्लीज मत बोलिए ऐसे, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। हाँ जो आदमी महिलाओं के ऊपर गैंग रेप जस्टिफाई कर रहा है उस आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? ऐसी सोच है, शुरू किया जिहादी सोच, इन्होंने जिहादी लोग हिम्मत चीतों के दिखाए। अरे प्लीज एक एक करके बोलिए। हाँ मानसिकता महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के साथ रेप हो यहाँ पे, हाँ 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 कर रहा है, हाँ हाँ कर रहा है, सरकार का आदमी घटिया आदमी क्या होती है? भारद्वाज जी प्लीज आप अपने शब्दों का ध्यान रखिए, प्लीज आप मत बोलिए इस तरह के शब्द, आपको बार बार मना महिलाओं के साथ इस तरीके नहीं, कोई भी वो तो जनता में भी एक्सपोज हो रहे हैं ना महिलाओं के विषय पर, अगर इतना इनह्यूमन कोई बात करेगा तो। अच्छा एक सेकंड प्लीज सर, ऐसे तो बात नहीं होगी ना, ऐसे तो बात नहीं होगी। आपने जीनत जी, इन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री की जाति के लोगों ने पहले दंगा शुरू किया और ये बात लाइव है, ऑन रिकॉर्ड है, आप कहिए पार्टी का स्टैंड है पहली बात।
और दूसरी बात घुमा फिरा कर कह रहे हैं, मैं कहता हूं आपसे मुझे बताइए जीना जी, पूछ लीजिए गणेंद्र भारद्वाज जी से, आम आदमी पार्टी से, कि मणिपुर पर आपका स्टैंड क्या है। इनको स्टैंड पता ही नहीं आ रहा, इनको ये नहीं पता है कि मणिपुर के जॉइनिंग कंट्री कौन सा है, नेबरिंग कंट्री कौन सा है। नहीं नहीं पूछ लेते हैं सर अभी अभी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, मैं पूरे इंडिया जो है इनका इनका ही स्टैंड पूछ लूंगी। भारद्वाज जी बताइए, फिर मैं ये सवाल अनित जी के पास भी लेके जाऊंगी, अनित जी को भी साथ में दिखा दीजिएगा। हाँ बोलिए जरा भारद्वाज जी, मणिपुर पे आप उनसे प्रश्न कह रहे हैं, आप चाहते हैं सदन में चर्चा हो, आपका स्टैंड पूछ रहे मनीष जी। मैं जीनत जी फिर कह रहा हूँ कि मणिपुर के लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, मणिपुर की हिंसा की पूरी जांच होनी चाहिए, मणिपुर की सरकार का क्या रोल है, मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है दंगों के पीछे, इसके विस्तृत जांच होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए, अच्छी दिन कौन लोग थे इस आग के पीछे, किन लोगों ने आग में पानी डाला, किसने पेट्रोल डाला, सरकार की क्या भूमिका थी, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका थी, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका थी, देश के लोगों के सामने आना चाहिए। इसी सच के लिए तो हम कह रहे हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन करो, मुझे ना आप ये बताइए मनीष गुप्ता जी, एक सेकंड, क्या स्टैंड होना चाहिए सत्ता पक्ष का स्टैंड बताइए। चलिए क्या मतलब किसी स्टेट में गैंगरेप हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, ब्रुटैलिटी से मर्डर हो रहे हैं, सर ऐसे बरामदे में टांग दिया जा रहा है, वहां पर आप स्टैंड पूछ रहे हैं, क्या आप टॉपिक को डिरेल कर रहे हैं? आप हम किस जमाने में हैं, हम किस सदी में हैं? देखिए जीना जी, अब मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं, एक मिनट दीजिए मुझे, हमें एक बात को समझना पड़ेगा, कोई भी घटना जो आज से चार महीने पहले हुई है, आज एक मिनट में हम उस सुन लीजिए, एक मिनट उसका मूल तो डिस्कस कर सकते हैं कि इस घटना का मूल में क्या था, तुम्हारे कभी करने ना करने से फर्क क्या पड़ रहा है, तुम्हें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ घटना का मूल क्या है, घटना का मूल इंक्वायरी कमीशन बताएगा ना, आपकी बात तो थोड़ी सी जस्टिफाइड हो जाएगा कि आप यहाँ पे कह रहे हो ये हो गया वो हो गया, पुलिस क्या करेगी? एक मिनट सुन लीजिए प्लीज प्लीज भारद्वाज जी। हाँ बोलिए आप मनीष गुप्ता जी, बात पूरी कीजिए। पार्लियामेंट है ना प्लेटफॉर्म, एक मिनट में चीज ना जी, पार्लियामेंट में सिंसियरली पार्लियामेंट जांच कराएगा, हाईकोर्ट जांच कराएगा, कोई तो जांच कराएगा, एनएचआरसी जांच कराएगा, कोई जांच कराएगा, तब तो चीजें सामने आएंगी ना। अरे फूक जाओ, तो पूछा था आपसे स्टैंड कैसे सामने आएगी बताओ, सच कैसे सामने आएगा, मनीष गुप्ता कहेगा तो सच माना जाएगा, होम मिनिस्टर कहेगा तब सच माना जाएगा, अरे थोड़ा पानी पी लो, मुख्यमंत्री कहेगा तो सच माना जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो, जो लोग कल्पित लोग हैं, जो लोग गुनाहगार लोग हैं, उनको कह रहे उनकी बातों को सच मान लो, आपके आप तो कुछ भी बोले चले जाओगे, आपको टाइम पास करना है, फंस चुके हो, थोड़ी देर चुप होकर सुन लो जरा। अरे यार तुम बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन में नहीं हो, तुम्हारे से तो मैं कैसे बात करूंगा, कोई बीजेपी वाला होता तो उससे जवाब भी मांगता, तुम तो राजनीति विश्लेषक बन के आए हो यहाँ पे, आयो आरएसएस की।